यदि दोस्तों आप भी कुछ ही दिनों के अंदर पर अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले हैं, अपनी दुकान को स्टार्टअप करने वाले हो, तो आप ये गलतियां मत करना जो आज आपको बताने वाला। तीन ऐसे जो मेजर पॉइंट बताऊंगा जो आपके धंधे को कहीं ना कहीं या तो बर्बाद कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, हमेशा के लिए आपको डिस्क्लोज कर सकते हैं, आपकी दुकान को बंद कर सकते हैं। आपको तीन गलतियां आपको नहीं करनी है जो आपको इसमें रेट में बता रहा हूं। मैं खुद एक दुकानदार हूं तो इस फील्ड का मुझे पूरा नॉलेज है। मैं 3 साल से अपनी दुकान को रनिंग कर रहा हूं, चला रहा हूं, तो मुझे इस फील्ड का पूरा अनुभव है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि तीन ऐसी मेजर पॉइंट है जो जो नए नए दुकानदार आते हैं वो इसमें मार खा जाते हैं स्टार्टिंग में और अपनी दुकान को कुछ ही दिनों के अंदर बंद करके चले जाते हैं। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, आपको वे गलतियां नहीं करनी है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद सच में ये मानोगे कि भाई साहब जो मैंने चीजें बताई है एकदम सच बात है, और आप इन चीजों को ध्यान में रख के बिजनेस को डेवलप करोगे, चलाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और इसके साथ में लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको ये जो मेजर पॉइंट है कौन कौन से हैं और आपको चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है, राजस्थान के छोटे से राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और पिछले टाइम से मैं जो 3 साल से कंटिन्यू अपनी दुकान को रनिंग कर रहा हूं, चला रहा हूं, इसके साथ में मैंने अपनी दुकान को भी सेटअप किया, पूरी दुकान को भी हमने परचेज की और अभी जो एक जस्ट ही हमने एक दुकान और ली। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि आप इस बिजनेस में मैं अपना डेवलप कर रहा हूं, अच्छा आगे बढ़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं और नेक्स्ट बिजनेस डेवलप करने की। इसी प्रकार आपको भी देखो दोस्तों, जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हो अपने आप पर भरोसा रख के स्टार्टअप करना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो मार्केट में अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाते, अपनी दुकान को स्टार्टअप कर देते हैं लेकिन जो ग्राहक नहीं आने पर वो अपने अंदर के जो एक आत्मा को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुद को डिमोटिवेट करते हैं, इसके जो आपके धंधे पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करके रखना। मैं आज आपको जो तीन ऐसे जो मेजर पॉइंट बताऊंगा इसके आधार पर चलोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अंदर से जो अच्छी फीलिंग आएगी, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, आपको अच्छे अच्छे ग्राहक जुड़ेंगे और अच्छा अच्छा आपका धंधा चलने लगेगा। इन चीजों को ध्यान में रखकर बिजनेस करना, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे। दोस्तों सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, और इस पॉइंट में बहुत से लोग नए नए जो आते हैं इस फील्ड में अपना नया कैरियर बनाने के लिए आते हैं, वो यही मार खा जाते हैं, यहीं से अपना धंधा बंद कर देते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना। पहला ये स्टेप है, 3 स्टेप में आपको काम करना है। यानी आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे वो किसी भी दुकान हो, चाहे आपका शोरूम हो या कोई भी दुकान एक्स वाई जेड जो भी हो, जिसमें भी आपका स्टार्टअप कर रहे हो, आपको उसका थोड़ा आइडिया लेके स्टार्टअप करना। यानी आप किसी दुकान पे रहके, या जो हो सकता है कि आप जो खुद की दुकान पे हो या जो आप कुछ और भी दुकान पे रहके काम करके आपको सीख के आया हो, तो आपको थोड़ा कुछ आइडिया होना चाहिए, 5-6 महीने 7 महीने का। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा ग्रोथ दिलाएगा। कस्टमर से बात करने का तरीका ये सब आप जान जाओ, ये चीज आप ध्यान में रखना। इसके बाद यदि आप ये कंप्लीट कर चुके हो तो अब आपका इसका नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं जो ध्यान में रखना, दुकानदार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने धंधे को लाइफ टाइम चलाने के लिए और लॉन्ग टाइम चलाने के लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो आपका जो भी बजट है, चाहे वो आपका 3 लाख का हो, 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, यानी 3 लाख का आपका बजट है, 3 लाख आपके पास में है, तो आपको उनको 3 डिवाइड में हिस्सा करना है। यानी 3 जो 1-1 लाख में आपको हिसाब करना है, 1-1 लाख अलग अलग डिवाइड करना है, उनको अलग अलग हिसाब से काउंट करना है। तो पहला जो आपका जो 1 लाख रहेगा तो उससे आपको माल खरीदना है, यानी जो भी आपका स्टॉक खरीदोगे, नए माल खरीदोगे, वो आप स्टॉक लेके आओ। यानी दुकान स्टार्टअप कर रहे हो तो 1 लाख से आप माल लेके आना है, यानी जो भी माल आप लोगे एक साथ आपको माल ले लेना है। बहुत से लोग दुकानदार गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको जो भी माल लेकर आ रहे हो आपको 1 लाख का लेके आओ, 1 लाख का बजट आपके पास रखो, आने वाले जो नए त्यौहार है, नए सीजन आने वाले हैं, तो आपको उन चीज़ों को देख के परचेज करना है। 1 लाख जो आपका दूसरा बचा है उसको अपने बैंक अकाउंट में ही रखो। यानी आपने 3 लाख में अपनी दुकान को स्टार्टअप किया है, तो आपको 3 लाखों को मैंने बताया कि कैसे कैसे अपनी दुकान में और कैसे इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। तो आपको 1 लाख को है जो है आपका 1 लाख अपने बैंक अकाउंट में रखना है, 1 लाख से आपको परचेज करना है, 1 लाख आपको अपने जो नया आने वाले साल है, नया जो त्यौहार आने वाला है या रक्षाबंधन आने वाली है या जो को भी होली के आने वाले हैं, दीपावली आने वाले, जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको निवेश करना है। समझ गए? तो जैसे आपका जो 1 लाख का जो माल लेके आए, नए प्रोडक्ट आप लेके आए, वो सेलिंग हुआ, सेलिंग होती है, आपको आइडिया लग गया कि भाई साहब इसमें मेरी जो दुकान सेट हो सकती है, अच्छी जम सकती है, तो उस जो प्रोडक्ट पे आपको जो 1 लाख है उसका आधा हिस्सा इसमें डाल दो, 50,000 का स्टॉक उसमें ले दिया, तो ज़्यादा आपकी सेलिंग होगी, इससे अच्छी होगी, तब आप और अच्छा पैसा बना पाओगे। और जो दूसरा बचा है उससे आप नए नए साल के लिए, नए नए त्यौहार के लिए आप कुछ प्रोडक्ट लेके आओ, जिससे जो ग्राहक बहुत अच्छे जो एक्टर होंगे और आपके पास में जो दौड़ के हुए आएंगे। इन 3 स्टेप में काम करना, कहीं ना कहीं आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा और लॉन्ग टाइम चलने वाला है। दोस्तों इसके बाद में दूसरा जो मेरा पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या हैं कि जो अपने आसपास के दुकानदार को या अपने आसपास के जो माहौल को देख के वो जो अपने भाव को कम नहीं करते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यानी जो दुकानदार या जो आप ऐसी गलती करोगे तो जो भी दुकानदार है आपने देखा होगा मार्केट में, यदि वो भाव कम नहीं करता है तो वो सेट नहीं हो पाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करते। जो भी ग्राहक आपके जो अंदर आ गया दुकान में, तो दुकान में आने के बाद उसको जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो आपकी 200 की हो, 300 की हो, 500 की हो,
जो भी चीज उस प्राइस में चाहिए तो उसको देने की कोशिश करो। अपने अपने जो आप नहीं कमा रहे हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब आप कमाओ कमाओ, लेकिन आप नहीं कमा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके होलसेल में आई है तो भी आप उसको प्रोवाइड करा दो, क्योंकि जो वो ग्राहक आपके साथ आया है, आपको एक उम्मीद के साथ में आया है, तो कहीं ना कहीं आप एक बार नहीं कमाओगे तो लेकिन आने वाले वो जब आपके साथ जुड़ गया तो आने वाले जो नेक्स्ट साल या 2-3 महीने बाद जब भी वो उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो फिर आपकी दुकान पर आएगा, तब आप उससे कमा देना, मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो आप एक साथ नहीं कमाना है, ग्राहक को जो एक साथ लूटना नहीं है, क्योंकि बहुत से दुकानदार होते हैं आपने देखा होगा कि जो नए नए ग्राहक आते हैं, नए नए कस्टमर आपके पास आते हैं, तुरंत ही जो उनको एक साथ जो बड़ा भाव दिखा देते हैं, बड़ा सा जो डील बताते हैं, बड़ा सा मोटा पैसा बताते हैं, जिससे जो ग्राहक आपकी दुकान से भाग जाएगा, वो कभी नहीं आएगा आपकी दुकान पे। तो ऐसे ही आपको नहीं करना है, कम रेट के साथ में आपको बताना है उसको, और उसको जो चीज़ चाहिए क्वांटिटी में चाहिए, जितना चाहिए और जितनी परसेंट में चाहिए, कित रेंज में चाहिए, तो वो दिखाने की कोशिश करो, हो सके तो उससे कम करो। तो आप मार्जिन नहीं कमाओगे फर्स्ट टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आने वाले टाइम में आप अच्छा कमाओगे उस ग्राहक से ही, समझ गए? तो इस हिसाब से आपको काम करना है। इसके बाद में दोस्तों मेरा तीसरा जो पॉइंट है, और ये भी मेजर पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से यूटिलाइज करो तो कहीं ना कहीं आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। ये जो क्या है कि जो आप आने वाले त्यौहार हैं, आने वाले होलियां हैं, या जो कोई भी एक्सपायर जो भी त्यौहार आता है उस पर काम करा करो। यानी अब कोई भी जो आप डिस्काउंट चल रहा है अभी, या जो कोई भी जो देखा होगा मार्केट में कि क्या है जो अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो आप लोग क्या है कि तो उसको डिस्काउंट के हिसाब से आप सेलिंग करा करो। यानी आप दुकान के बाहर कहीं है जो ऐसा बोर्ड लगाओ, या ऐसा कोई परचम लगाओ, या ऐसा कोई लिखो कि भाई साहब जो लोग वहाँ पे आपको देख के तुरंत ही जो उसके अंदर आपके एंटर हो, दुकान के अंदर आए, यानी 75% ऑफ, 50% ऑफ, ऐसे से कुछ बोर्ड बनाओ, कैसे बैनर बनाओ जिससे जो लोग आपके देख के आए, ऐसे आपको करना है। आप ऐसे करोगे तो कहीं ना आपकी दुकान अच्छी चलेगी, रनिंग होगी। इसके साथ में जो भी ग्राहक आपके जो साथ आया है, डील किए आपने, और जो भी आपने 1000 हो, 500 हो, 10000 हो, जो भी आपने प्रोडक्ट उस ग्राहक को आपको दिया है, जो भी आपने प्रोडक्ट उसको दिया है, तो जो भी आपका बजट बना है, तो आपको लग रहा है कि पैसा भी जो 1000 से ऊपर है या 2000 से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में कुछ ना कुछ एक फ्री गिफ्ट अपनी तरफ से देने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपकी वॉच हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ जो आइटम हो, जो घड़ी हो सकती है, दीवार घड़ी हो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दो जिससे जो लोग आपके साथ और जुड़े रहे, क्योंकि कोई भी चीज फ्री मिलती है तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव करती है, बहुत ज्यादा पसंद करती है। ऐसे कहीं ना कहीं जो वो ग्राहक आपके साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा और आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा दोस्तों। और आप जाते जाते आपको लास्ट में एक और एडवाइस दे दूं, ग्राहक जो भी आपकी दुकान में आता है, जो भी दुकान के अंदर आया है, तो वो एक भगवान के समान है, तो उसकी अच्छे से उसकी जो खातिरदारी करो, अच्छे से उसको मानो। एक जो नॉर्मल मैं आपको कहना चाहूँ, यदि आपके दुकान नहीं चल रही है ना, तो सबसे कारण यही है कि आपके अहंकार या जो आपका जो एक बोलने का तरीका है उसको सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत से दुकानदार मैंने देखे हैं कि वो एक अलग तरीके से बोलते हैं, तो ऐसे में क्या है कि लोग आपके साथ अटैक नहीं होंगे। यानी एक आप उसको भगवान की तरफ मानो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसको भगवान ही मान के आपको इस बिजनेस में उतरना है, क्योंकि आप इस चीज़ को मान के उतरोगे तो कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हम भगवान को किस तरफ से जो मानते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, उसी हिसाब से आपको भी उसको कस्टमर को भगवान मानना है, क्योंकि जो आपके अंदर दुकान के अंदर जब तक एंट्री नहीं करेगा तब तक आपका रोजी रोटी नहीं चलने वाला है, समझ गए? तो आप लोग उसको बुलाने के लिए अपने हाथ जोड़ के कोशिश करो उसको बुलाने की, जिससे आपके साथ अच्छा एक्टर होगा और आपको लाइफ टाइम तक वो जुड़ा रहेगा और आपको अच्छा कमा के देगा। ऐसी कुछ चीजें मैंने आपको बताई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस लाइन में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी आपको। और अच्छी लगी हो ये पहले वीडियोज मेरी, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने भाइयों के साथ शेयर करना, जो लोग अभी स्टार्टअप करने वाले हैं या कर चुके हैं उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करना।